हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम अकेडमी के इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से, अगर टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजीशन पर कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोफेसर के पोस्ट पर, एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन और ग्रेड टू के पोस्ट पर आए हुए परमानेंट सीट पर जो रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। हम यहां पर देखेंगे कौन से डिपार्टमेंट से कितनी सीटें रखी गई हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, इन सभी चीज़ों को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद से मांगे जा रहे हैं। यहाँ 10 अक्टूबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है, जिसे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को वो पीडीएफ मिल जाएगा। इसकी जो लास्ट डेट है यानी कि क्लोजिंग डेट जो है वो 1 नवंबर 2024 का डेट रखा गया, और इस डेट से पहले ही आपको इसके फॉर्म को एप्लीकेंट अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट को इनवाइट किया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, जो इस इंस्टीट्यूट में फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी को क्रैक कर रहे हैं। यहाँ जो डिपार्टमेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एप्लीकेशन मांगे गए हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से एप्लीकेशन मांगे गए हैं, क्लाइमेट चेंज से एप्लीकेशन मांगे गए हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन मांगे गए हैं, केमिस्ट्री में एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग से एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। जो लोग डिजाइन से एप्लीकेशन करना चाहते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, मैनेजमेंट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लिबरल आर्ट्स से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मटेरियल साइंस एंड मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से यहां पर आपको एप्लीकेशन करने के लिए इनवाइट किया गया है, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड लास्ट में यहां पर आप फिजिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने डिपार्टमेंट हैं जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए इन्वाइट किया गया है। यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट से प्रोफेसर के लिए भी पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन और ग्रेड टू दोनों के लिए पोस्ट है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं faculty.recruitment.iith.ac.in पर लॉगिन करके। आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल है वो आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएंगे, कुछ रिजर्वेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप ST SC OBC नॉन क्रिमिलियर और EWS के कैंडिडेट हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर इस गवर्नमेंट के माध्यम से, आप गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर हम क्वालिफिकेशन और पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी 1,01,500 रुपये आपको एंट्री सैलरी के रूप में यहाँ दिया जाएगा। और आप लोग जब कुछ समय तक के लिए यहाँ पर वर्क कर लेंगे यानी 3 साल के बाद आपकी जो सैलरी है वो 13A कर दी जाएगी, यानी 1,29,000 के करीब में आपकी सैलरी हो जाएगी। वहीं क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास PhD होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, और UG PG भी यहां पर मांगे गए हैं। एटलीस्ट यहां पर 3 इयर्स का इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड टीचिंग का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू का पोस्ट है, जिसमें आप लोगों को एकेडमिक पे लेवल 10 और 11 की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप यहां पर लेस देन 3 इयर्स ऑफ पोस्ट PhD इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं तो यहां पर आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम जो होने वाली है 98,200 रुपये की एंट्री सैलरी यहां पर आप लोगों को मिलेगी। इस सैलरी को आगे बढ़ाया भी जाएगा, आपके वर्क के हिसाब से इसे इंक्रीज किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी PhD आप लोगों के पास हो और साथ ही साथ UG PG आपका फर्स्ट क्लास में हो तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगे जाएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर फिक्स सैलरी आपकी है
49,600 रुपये की सैलरी आप लोगों की है। एकेडमिक पे लेवल 13A2 की सैलरी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। PhD और UGPG आपका फर्स्ट क्लास में मांगा गया है, साथ ही साथ 6 साल का आपके पास टीचिंग रिसर्च और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होने चाहिए तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और प्रोफेसर के लिए जो यहाँ पर सैलरी है वो 159,600 रुपये की एंट्री सैलरी है। एकेडमिक पे लेवल 14A की सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी है UGPG और PhD, ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों में ही ये क्वालिफिकेशन लगेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस आप लोगों की कम ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पर प्रोफेसर के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है 10 साल का मांगा गया है, रिसर्च में, टीचिंग में और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इन सभी चीज़ों में 10 साल का आप लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस हो, आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, PWD के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 15 साल दिए जाएंगे अगर आप SC ST कैटेगरीज में हैं, वहीं 13 साल यहाँ पर OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट ai.iits.ac.in पर विजिट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है। क्वालिफिकेशन और सारे इंट्रक्शन हमने ऊपर ही बात कर लिया है और जिनका जो स्पेशलाइजेशन हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।